हेलो गाइस, कैसे हो? आज का नया वीडियो लेके गाइस आज मैं जा रहा हूँ पोचिंग की में, और इस वाले गेम प्ले में गाइस हम करने वाले हैं डीबीएस का चैलेंज। और गाइस तुम्हें पता ही है शॉर्ट गन से मेरी कितनी पुरानी दुश्मनी है। मतलब भाई शॉर्ट गन मेरे हाथ से चलती नहीं भाई, बढ़िया सी, पता नहीं क्यों कभी कभी चल जाती है, कभी कभी बहुत बुरा धोखा होता है मेरे साथ। तो यार देखो, मेरे लिए वाली चीज काफी हार्ड होने वाली है। तो गाइस अगर मैंने ये वाला चैलेंज कंप्लीट कर दिया तो गाइस आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक भी मारना पड़ेगा। तो यार डीबीएस के लिए भटकते हैं, जैसे मेरे को डीबीएस मिलेगी अपनी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे गाइस मेरे को डीपीएस मिल जाती है, एक एमबी मिली है मेरे को, लेकिन इसको यूज नहीं करेंगे, चिंता मत करो। और एक बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आते हैं इस वाले घर में से, तो मैं जाकर रश मारते हैं। अब ये वाला बंदा कोने में कैंप मारा था और इसे लूट भी नहीं मिली थी ठीक ठाक सी, तो भाई खत्म कर देते हैं इसे भी। अब यहाँ पे गए सामने से एक बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आते हैं, जो कि मेरे को बोट सा लगा था पहले तो, लेकिन फिर मेरे को दिख भी जाता है वो, जो कि पीछे की तरफ भाग रहा है, तो भाई पकड़ते हैं उसे भी। और यहाँ पे कोई बोट स्कैम भी करा था, तो इसका मतलब दो बंदे तो कम से कम है। अब मेरे को सामने वाले बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं कि वो भाग रहा है बोट स्कैम वाले की तरफ, लेकिन उसके साथ तो बहुत ही गंदा स्कैम होता है। यहाँ पे वो बंदा वहां पे टीवी पे ले रहा था और ये बंदा सामने से जाता है बिल्कुल खुले में से, और वो बंदा यार इजीली खत्म कर देता है। और गाइस अगर यही गलती मैं भी करूंगा ना तो मैं भी मरूंगा, क्योंकि भाई वो है कवर में, मैं नहीं हूं, और उस बंदे पे उजी वैसे है। तो यहाँ पे गाइस मैं क्या करूंगा, पहले तो एक नेड फेंकता हूं मैं, जो कि हल्का सा यार ज्यादा कुक हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता उसका कुछ। तो यार ऐसे तो रश मारने से रहे, क्योंकि भाई जो गलती उस बंदे ने करी है वो मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला। तो यहाँ पे मैं स्मोक कर देता हूँ और अब देखो कैसे निपटाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला बंदा इधर से आने की कोशिश कर रहा था, ये भी मतलब लड़ने के फुल मूड में था, लेकिन इसको मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। और भाई किसी ने साइड से फायरिंग करी है, M16 चलाई है शायद से, तो यार उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और वैसे अभी स्मोक है मेरे ऊपर तो काफी कवर है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे मैं स्कारल उठा लेता हूँ ऐसे मजे मजे के लिए, लेकिन चलाएंगे नहीं यार, दिक्कत मत लो। सेकेंडरी गन में DMR ही लेने वाला हूँ, बस मैं ढूंढ रहा था कब मेरे को मिले। और यहाँ पे जाके मेरे को मिल जाती है Mini-14। और सामने ये वाला बंदा किसी पे फायरिंग कर रहा था, तो मैं हार्ड स्कोप करके बैठता हूँ कि क्या पता दोबारा से जाके तो भाई खत्म कर दे, लेकिन बंदा झाँकता ही नहीं है। तो यहाँ पे गाइस मेरे को सामने वाले घर में से एक बंदे के फुटस्टेप्स आता है बालकनी में से, तो यहाँ पे एक स्मोक फेंकता हूँ अगेन गाइस, जिससे कि बंदे की विजन ब्लॉक हो जाए और वो मेरे पे एम ना ले पाए। अब यहाँ पे ये वाला बंदा नीचे जंप लगा देता है, और भाई यही मैं चाह रहा था कि ये बंदा नीचे जंप लगाए, क्योंकि भाई ऊपर वाले पे ज्यादातर एडवांटेज होता है और यहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा हो जाता है फिर तो। और DPS बहुत खतरनाक चल रही है आज, पता नहीं भाई क्या ही शक्ति आ गई मेरे अंदर, नहीं तो भाई शॉर्ट गन से अपनी बहुत ही पुरानी दुश्मनी है। और गाइस मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई ये डिसीजन सही था पबजी वालों का कि DPS जैसी गन को मतलब ड्रॉप से बाहर दे रहे हैं ये, या फिर ये गलत है, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे गाइस एक बंदा दिखा था मेरे को काफी देर पहले, तो इसको मैं देखने के लिए आता हूँ, लेकिन अब मेरे को शायद लग रहा है कि वो निकल चुका है यहाँ से, तो मैं भी निकलता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे को पता था कि भाई पोचिंकी वाले बंदे क्या क्या स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, और सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है पोचिंकी वालों की कैंपिंग भाई, और कौन सी। अब यहाँ पे इस बंदे को मैं हल्का सा डैमेज देता हूँ, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं था। अब यहाँ पे बंदा मेरी हेल्थ कम कर देता है, तो भाई सबसे पहले हीलिंग करता हूँ मैं, क्योंकि भाई लेवल 1 की वेस्ट है, अगर उस बंदे ने रश मार दिया तो भाई स्कैम हो जाएगा मेरे साथ। अब यहाँ पे इस वाले बोट को मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि भाई राइट से मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे बंदे के, और अगर मैं इस वाले बोट को मारने के चक्कर में रहता तो भाई हीलिंग नहीं कर पाता पूरी, और वो बंदा शायद मेरे पे रश कर देता। और ये कोई और ही आया कहीं से, अब यहाँ पे एक बंदे ने काफी पीछे से फायरिंग करी है, इसका मतलब 3 बंदे तो कम से कम है आसपास। तो मैं सोच ही रहा था कि भाई क्या स्ट्रेटेजी लगाऊं उस बंदे को मारने के लिए, लेकिन बंदा खुद रश मार देता है मेरे ऊपर।
और यहाँ पे आप इसकी फायरिंग से अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये बंदा कितना गुस्सा है अपना किल चोरी होने के चक्कर में। अब ये वाला बंदा तो भाग गया था इधर से, और भाई ये मेरे ऊपर पक्का रश मारने वाला है, मेरे को इतना पता था, भले ही वो 5 मिनट बाद मारे या फिर एकदम मार दे। तो इससे पहले वो मेरे ऊपर रश मारे, मैं उसके ऊपर रश मारना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पे यार कोई और किल ले लेता उस बंदे का तो ये बेचारा तो फंसे ही रह गए हम दोनों के बीच में। और अब यार जिस बंदे ने इसको मारा है वो शायद रूफ पे कैंपिंग कर रहा है, तो यार उस बंदे से तो बचना पड़ेगा क्योंकि भाई उसके पास काफी ज्यादा एंगल्स हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं फ्लैंक मारता हूँ, और भाई मेरा प्लान था यहाँ पे गैराज से गाड़ी उठा के उस बंदे पे रश मार देंगे, क्योंकि भाई पैदल जाने में बहुत ज्यादा रिस्क रहती है। अब यहाँ पे ये वाला बंदा पता नहीं कौन है, ये रूफ वाला बंदा या फिर कोई और है। तो यहाँ पे ये बंदा मेरे को डैमेज देता, तो सबसे पहले मैं कवर में आता हूँ, यहाँ पे हीलिंग करते हैं। और मेरे को बंदे के फुटस्टेप्स आ चुके हैं कि मेरे बिल्कुल सामने वाले घर में आ चुका है वो बंदा। अब यहाँ पे कैसे गाड़ी उठा के मैं इस वाले घर में आ जाता हूँ, मुझे लगा यहाँ से एंगल वगैरह मिल जाएगा। लेकिन जब मिलता नहीं तो मैं सोचता हूँ कि मोली फेंक दूँ। अब यहाँ पे लास्ट टाइम पे मैं हल्का सा हिल जाता हूँ, भाई उस चक्कर में स्कैम होते होते बच गया मेरे साथ। तो यहाँ पे गाइस अब कोई चारा नहीं था, मेरे को गाड़ी लेकर उस बंदे पे रश मारना पड़ेगा। लेकिन उस बंदे पे बहुत ज्यादा एडवांटेज है, तो मेरे पास एक ट्रिक थी कि ब्रोकन वॉल पे जाता हूँ पहले। और इस वाले बंदे को गाइस बस देखना कितना बुरा मारने वाले हैं भाई, मतलब मजा आ जाएगा तुम्हें, मतलब इस बंदे को हम पागल बना देंगे बहुत बुरी तरह। अब यहाँ पे गाइस मैं अगेन स्मोक कर देता हूँ जिससे कि बंदे का विजन ब्लॉक हो जाए और वो मेरे ऊपर फायरिंग ना कर पाए, और अब जाके रश मारते हैं। अब यहाँ पे ये बंदा शायद मेरे को नहीं देख पाता आते हुए, और भाई पूरा पागल हो चुका था, चारों तरफ फायरिंग करा था अंधाधुन। और फिर एक बंदा सामने से फायरिंग करता है, तो इसको अपने DMR से निपटाते हैं। अब यहाँ पे ये वाला बंदा नेड फेंकना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले खत्म कर देता हूँ मैं। और जो बंदा यार मैंने इस वाले घर में मारा ना, उसके साथ तो बहुत ही गंदा स्कैम हुआ, क्योंकि भाई उसका ध्यान था ट्रिपल स्टोरी वाले की तरफ, और मैं पीछे से आके उसको मारने लगता हूँ स्मोक के अंदर से, तो बेचारा पूरा बौखला गया था वहां पे। अब यहाँ पे एक बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आते हैं, तो उसको निपटाते हैं और फिर यार निकलते हैं इधर से जल्दी से। लेकिन यार मेरी गाड़ी का पेट्रोल थोड़ा सा कम था, हेल्थ भी कम थी, तो यहाँ पे गाड़ी चेंज करते हैं और अब निकलते हैं। लेकिन इतने में मेरे को सामने एक गाड़ी दिखती है, और भाई पूरे गुस्से में बंदा मेरे ऊपर ठोक देता है। अब यहाँ पे गाइस बस मैं मरते मरते बचा, अगर मैं फायरिंग नहीं करता ना थोड़ी देर और रुकता तो ये बंदा मेरे को खत्म कर देता इजीली। तो यार इस वाले किल में अगर मजा आया हो तो देखो भाई लाइक मारो जल्दी से। अब गाइस मैं यहाँ पे हीलिंग करता हूँ और भाई निकल लेते हैं फिर। तो यार जोन बन चुकी थी दूसरी तरफ, लेकिन मिल्टा वगैरह थी थोड़ी जोन में, तो मैं आता हूँ यहाँ पे चेक करने के लिए। और एक बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आता है इस वाले घर में से। अब यहाँ पे गाइस पहले मैं फुल स्पिन खींचता हूँ बंदे को देखने के लिए कि बंदा वहां से हिलेगा या नहीं, लेकिन बंदा तो हिलता नहीं है बल्कि गेट और बंद कर देता है। तो यहाँ पे गाइस एक स्मोक करता हूँ मैं अगेन, और बस देखो कैसे निपटाते हैं। लेकिन गाइस वो वाला बंदा बालकनी से भाग जाता है, शायद उसे लगा मैंने नेट फेंक दिया। यहाँ पे बंदा एम लेके बैठा था कि मैं बिल्कुल सीढ़ी के ऊपर आके मारूंगा उसे, लेकिन मैं बीच से ही मार देता हूँ, मतलब जब बीच से काम चल रहा था तो ऊपर आने की क्या जरूरत थी। अब यहाँ पे गाइस मैं बंदों को ही ढूंढ रहा था, और भाई मेरे को साइड से फायरिंग की साउंड आती है, और सामने मेरे को एक नागिन स्पॉट हो जाती है जो कि घास में एंटर होने की वजह से मेरे को दिख रही थी, तो भाई रश करते हैं उसके ऊपर।
और ऊपर से यार कोई AWM भी चला रहा है तो भाई उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन पहले इसे कुचलते हैं। तो यहाँ पे इस वाले बंदे को निपटा के मैं सोचता हूँ कि ऊपर वाले बंदे पे रश मार दिया जाए, लेकिन यार फिर मेरा ध्यान जाता है जोन के ऊपर जो कि वहाँ पे नहीं थी, तो मैं रिस्क नहीं लेता। यहाँ पे मैं जोन में आता हूँ मजे में और उस बंदे को यार देखो आना ही पड़ेगा जोन के अंदर, और मैं इस बंदे का पूरा वेट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे इस वाले बंदे ने जो गाड़ी की हालत करी है ना भाई, तो गाड़ी इसे पक्का पनौती देगी। अब यहाँ पे ये वाला बंदा पहाड़ से नीचे तो आ चुका था, लेकिन भाई ये जोन में नहीं था अब भी। अब यहाँ पे इस वाले बंदे को मैं डैमेज देता हूँ, भाई बंदा साइड में भाग जाता है। तो या तो ये जोन से मरने वाला है, मेरे को किल नहीं देना चाह रहा, या फिर बंदा हीलिंग करके निकलेगा। और भाई वही होता है, बंदा हीलिंग करके निकलता है। अब यहाँ पे गाइस मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई मेरे को एंगल नहीं मिलता। और जैसे ही मैं सामने की तरफ देखता हूँ, भाई ये गिली बाबा मेरे ऊपर ही हमले के बैठा था, जिसने कि शायद अभी अभी ड्रॉप लूटी है ताजी ताजी, और भाई मेरे ऊपर ही टेस्ट कर रहा था सारी चीज। तो यहाँ पे यार काफी गंदी हेल्थ खाता है बंदा मेरी। अब यहाँ पे गाइस मैं हीलिंग कर लेता हूँ जल्दी से, और भाई इस वाले बंदे को हल्के से डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतनी दूर से कुछ फायदा नहीं था, तो भाई जाकर रश मार देंगे। अब यहाँ पे गाइस मैं सीट चेंज करके उतरता हूँ, जिससे कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है मैं अभी गाड़ी के अंदर ही हूँ, क्योंकि अगर मैं उधर की तरफ से उतरता तो भाई वो मेरे को देख लेता और भाई खत्म कर देता हवा में ही। अब यहाँ पे गाइस मेरा प्लान था कि भाई जल्दी से जोन में चलते और भाई लास्ट वाले बंदे को ढूंढेंगे, लेकिन ये बंदा तो मेरी तरफ ही आ रहा था। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मार दो, और गाइस जो नए बंदे हो भाई सब्सक्राइब कर लो, और हाँ गाइस मेरे को सजेशन दो कि भाई अगला कौन सा चैलेंज किया जाए, जो ज्यादा बंदे कहेंगे मैं उस वाले चैलेंज को ही करूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।